रिकी मतलब आपका स्वागत है। बीएसएफ डीजी पंकज कुमार सिंह कल होंगे सेवानिवृत्त। 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है पंकज कुमार सिंह का कार्यकाल। पहले सिंह के सेवा विस्तार को लेकर लगाई जा रही थी अटकलें। पंकज कुमार सिंह की सेवानिवृत्त पर छावला कैंप में होगा विदाई परेड और इस बार की विदाई परेड के दौरान होगा राष्ट्रपति पदक वितरण समारोह। विदाई परेड के आयोजन को राष्ट्रपति पदक वितरण समारोह नाम दिया गया है और समारोह में बल के जवानों अधिकारियों को किया जाएगा पदकों से सम्मानित। राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं पंकज कुमार सिंह। राजस्थान पुलिस के अलावा सीबीआई में भी कई अहम पदों पर काम किया है। और अब बात करते हैं द वीक की कवर स्टोरी की, जिसकी लाइन है आयरन हैंड ऑन स्टील फ्रेम। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया नौकरशाही का कायाकल्प, पूरी तरह बदला सरकारी अधिकारियों की काम करने का तरीका। योग्यता प्रतिभा को महत्व मिलने के बदले अब अफसरों के तौर तरीके भी, पहले उन्होंने वो बदले अब ये बदले। प्रशासन को नागरिकों को और ज्यादा जिम्मेदार होना होगा, प्रशासन को नागरिकों के लिए और ज्यादा जिम्मेदार बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के इस एडिटोरियल की, जिसकी टैगलाइन है द ओबीसी फैक्टर इन लोकल पोल्स। अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का मामला महाराष्ट्र, एमपी, ओडिशा, बिहार और अब यूपी में यह मामला टकता दिखाई दे रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उलझ गया है। एमपी बिहार में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से ओबीसी आरक्षण लागू है। हर राज्य में ओबीसी आरक्षण लागू करने का राजनीतिक दबाव है। ओबीसी आरक्षण के लिए एक सर्वमान्य नीति बनाने की जरूरत महसूस हो रही है। रुकी पाकिस्तानी फिल्म की स्क्रीनिंग द लीजेंड ऑफ मौला जट। फिल्म की जो स्क्रीनिंग है वो रोक दी गई है, फिल्म को स्थगित कर दिया गया है। भारत में पाकिस्तानी फिल्म का प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। फवाद खान, महिरा खान की फिल्म है द लीजेंड ऑफ मौलाना जट। आइनॉक्स और पीवीआर ने की थी 30 दिसंबर से प्रदर्शन की घोषणा, लेकिन फिल्म के वितरक ने अनिश्चितकाल के लिए प्रदर्शन को रोक दिया है, स्क्रीनिंग को रोक दिया है। मनसे पार्टी समेत कई लोगों ने किया था फिल्म का विरोध और इस विरोध को देखते हुए इस फिल्म की स्क्रीनिंग को रोक दिया गया। 72 साल के इतिहास में राजस्थान हाईकोर्ट में दूसरी बार एक साल में 3 सीजे। 2009 के बाद हाईकोर्ट में दूसरी बार एक साल में 3 मुख्य न्यायाधीश रहे। 12 अक्टूबर 2021 को 38वें चीफ जस्टिस बने थे जस्टिस अकील कुरैशी। 6 मार्च 2022 को चीफ जस्टिस अकील कुरैशी हुए थे सेवानिवृत्त और जस्टिस अकील कुरैशी की सेवानिवृत्ति के बाद जस्टिस एसएस शिंदे बने थे सीजीआई। 21 जून 2022 से 1 अगस्त 2022 तक चीफ जस्टिस रहे एसएस शिंदे। जस्टिस शिंदे के सेवानिवृत्त होने के बाद चीफ जस्टिस बने जस्टिस पंकज मिथल। वहीं 14 अक्टूबर 2022 से राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे हैं जस्टिस पंकज मिथल। बाल बाल बचे क्रिकेटर ऋषभ पंत। रुड़की के पास मोहम्मदपुर जाट एरिया में हुआ भयानक हादसा। डिवाइडर से टकराने के बाद मर्सिडीज में आग लग गई। डॉक्टर्स के मुताबिक पंत की हालत खतरे से बाहर है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई पंत को करवा सकती एयरलिफ्ट, बेहतरीन इलाज के लिए लाया जा सकता या तो दिल्ली या फिर मुंबई। दरअसल पंत के सिर, पीठ और पैर में चोट आई है। पीएम मोदी ने चिंता जताते हुए पंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ऋषभ पंत की मां से बातचीत की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।